कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी यूजिंग पिकनोमीटर। तो पिकनोमीटर का यूज करके स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो का टॉपिक है। टीए में आपका स्वागत है, और अगर आप ये सारा चीज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करने का मेथड दो तीन है। डेंसिटी बॉटल मेथड एक होता है, ये सबसे एक्यूरेट होता है, लेबोरेटरी का स्टैंडर्ड मेथड है, या 500 ml फ्लास्क का इस्तेमाल करके हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं, या फिर पिकनोमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। पिकनोमीटर और फ्लास्क जो है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि अगर आप उसमें फाइन ग्रेन सॉइल का निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाएगा और उसका जो कैलकुलेशन जो रिजल्ट है सही नहीं आता है। तो ये बेटर है कोर्स ग्रेन के लिए। तो एनीवे, ये तीनों मेथड जो है, तीनों मेथड में चाहे ये डेंसिटी बॉटल मेथड हो, चाहे फ्लास्क मेथड हो, या पिकनोमीटर मेथड हो, इन तीनों मेथड में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सिमिलर होते हैं। तो हम लोग इन सारे मेथड्स को एक एक करके, इन सारे क्या एक ही मेथड है, उसको समझते हैं कि कैसे निकालते हैं। अगर एक का सीखेंगे तो इसका मतलब हम तीनों का सीख गए। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था आपको कैसे निकालते हैं वाटर कंटेंट यूजिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो दिस इज सिमिलर। इसमें भी सिमिलरली हम इसमें वाटर फिल कर देते हैं। मान लीजिए वाटर को हम रेड से बनाते हैं, और जो चौथा है उसमें केवल पानी होता है। मान लीजिए कि ये जो एम्प्टी पिकनोमीटर है उसका वेट है 1W1, ठीक है, और जो एम्प्टी प्लस सॉइल है, ड्राई सॉइल, इसका वेट है W2, ठीक है, और तीसरा जो है, मान लीजिए कि ये इसका जो है ड्राई सॉइल और प्लस वाटर जो है उसका वेट है W3, और वाटर प्लस पिकनोमीटर का वेट है W4। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, या इसको ऐसे कहें वेट ऑफ सॉइल मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। मतलब जितना वॉल्यूम सॉइल मास का है उतना ही वॉल्यूम वाटर का जितना वेट होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो इसको भी हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी जी कहेंगे। तो हमें ये निकालना है, और ये हमारे पास चार डेटा हैं। एम्प्टी पिकनोमीटर का वेट W1 है, एम्प्टी प्लस ड्राई सॉइल का W2 है, एम्प्टी ड्राई सॉइल प्लस वाटर का W3 है, और आपका वाटर पूरा वाटर प्लस पिकनोमीटर का जो वेट है वो W4 है। अब हम लोग निकालना चाहते हैं वेट ऑफ सॉइल मास। तो वेट ऑफ सॉइल मास क्या है, ड्राई में से इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉइल मास ड्राई, कितना हो जाएगा W2 माइनस W1, और हमें निकालना है वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। तो सेम वॉल्यूम क्या है, अब देखिए ये जो है, देखिए इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना है, इतना,
इतना वॉल्यूम में जितना पानी आएगा उसका वेट निकालना है, तो वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ये तो मैंने लिखा, यहां लिखता हूं, इज इक्वल टू, जितने दूर में सॉइल मास है उतने दूर में अगर पानी भरेंगे तो कितना वेट होगा ये निकालना है। तो देखिए, अगर इसमें से W3 में से अगर W2 निकाल लेंगे तो केवल इतना पानी बच जाएगा, है ना, W2 माइनस W3, तो क्या बचेगा, इतना वॉल्यूम, और इसमें से अगर इतना वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमें क्या बच जाएगा, इतना वॉल्यूम का वेट। तो क्या हो जाएगा, W4 माइनस W3 माइनस W2। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि जैसे ही हमने W3 में से W2 माइनस किया, इसमें क्या हुआ, वेट ऑफ कंटेनर माइनस हो गया, यानी वेट ऑफ पिकनोमीटर भी एक दूसरे से माइनस होकर कैंसिल हो गया, और सिर्फ यहां जो बचा वो बचा W3 में से अगर W2, तो केवल वेट ऑफ वाटर बचा यहाँ, वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे W4 में अभी क्या है, पिकनोमीटर का भी वेट है, तो पिकनोमीटर का वेट जो होता है W1 भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो ये W1, इसको अरेंज कर देंगे तो लिखेंगे W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2, ठीक है। और इसको थोड़ा और अरेंज करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं बराबर, देखिए इसको W2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो W2 माइनस W1, ठीक है, और यहां से W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, ये लिख सकते हैं इसे। तो G बराबर क्या हो जाएगा, यहां से लिखें तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। तो इतना सिंपल सा, आसान सा ये फॉर्मूला निकल गया। तो यही है पिकनोमीटर मेथड से इस्तेमाल करके हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले को भी इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, अगर इसको हम प्लस कर दें तो यहाँ इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें तो ये हो जाएगा W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 प्लस W4 माइनस W3, ऐसा लिख सकते हैं। तो याद करने के लिए आप इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं, तो 2 माइनस 1 4 माइनस 3 और 2 माइनस 1, तो इस तरह से थोड़ा सा अरेंज करके याद कर सकते हैं। अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से अगर कहीं पूछा जाए तो आराम से इजीली आप डेराइव कर सकते हैं, क्योंकि वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास निकालना है, वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, या वेट ऑफ सॉइल मास और वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम में वेट ऑफ वाटर कितना होगा। तो हमने इन चार डेटा का इस्तेमाल करके वो सारा वैल्यूज निकाल लिया। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब आगे के वीडियोस में हम लोग फर्दर इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को फटाफट लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से ही आपका रिस्पॉन्स भी मुझे मिलना चाहिए, ताकि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिसलाइक करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि और भी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो फटाफट लाइक कीजिए, लाइक, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, या फिर शेयर करिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं करना मस्ट है, मस्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।